आपको बता दें कि थाना कोतवाली नगर व एसओजी के संयुक्त पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि तीन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में श्रीनाथ बिहार कॉलोनी के पास खड़े हैं। पुलिस द्वारा सूचना को संज्ञान में लेकर उक्त स्थान पर देखा गया तो तीन व्यक्ति अलग अलग दोपहिया वाहनों के साथ खड़े थे, जो कि पुलिस को देखते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक घेराबंदी करते हुए हिरासत में ले लिया था तथा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके पास चोरी की एलईडी टीवी 3 और एक इन्वर्टर है, जिसे वे बेचने की फिराक में थे तथा यहां ग्राहक की तलाश में खड़े थे। चोरी किए गए सामान को वे श्रीनाथ बिहार गेट में बने पोस्ट में छिपा कर रखे थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर उक्त चोरी किए गए सामान को बरामद कर लिया है। तीनों अभियुक्तों से दोपहिया वाहनों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त दोपहिया वाहनों को उन्होंने उन्नाव, कानपुर सहित अलग अलग जनपदों से चोरी किए हैं। चोरी किए गए वाहनों में स्कूटी, बुलेट व यामाहा R15 मोटरसाइकिल भी शामिल है। अभियुक्तों द्वारा कहा गया कि वह पुलिस को भ्रमित करने व पुलिस से बचने के उद्देश्य से चोरी किए गए वाहनों के नंबर प्लेट बदल देते थे तथा फर्जी नंबर प्लेटों का प्रयोग करते थे। बांदा से कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये जनपद बांदा की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तीन चोरों को, सातवें चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से लगभग 4 लाख की चोरी की सामग्री बरामद हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल है, बुलेट है, स्कूटी है, एलईडी है, 3 इन्वर्टर बैटरी हैं और इसमें एक मोटरसाइकिल जनपद उन्नाव से चोरी हुई थी, वो कनेक्ट हुई है। 2 इन लोगों ने बताया है कि जनपद कानपुर नगर से चोरी की गई हैं, उसमें उनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें से एक बदमाश हिस्ट्री शीटर है और ये काफ़ी दिनों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। एक अभियुक्त इसमें हमीरपुर का है, बाकी 2 अभियुक्त जनपद बांदा के रहने वाले हैं।